नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया बाकी वीडियोस को, तो होप सो आगे भी आप अपना ऐसा ही सपोर्ट रखें। आज हम सॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर का क्लर्क का एग्ज़ाम, जो कि 2 अप्रैल 2021 को हुआ था। तो उसके जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, जो कि हिम एग्ज़ाम्स के थ्रू अपलोड हुए थे फेसबुक पर, वहाँ से मैंने लिए हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आपके पास बाकी क्वेश्चंस भी हैं तो प्लीज़ आप सेंड कर देना फेसबुक के लिंक पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विच ऑफ़ द फॉलोइंग वैली इज़ नॉट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारी अराकू वैली है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अराकू वैली हमें मिलेगी आंध्र प्रदेश में। बाकी सांगला, पिन, तीर्थन, ये सारी वैलीज़ हमें हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूज़न होती होगी क्योंकि 14 सितंबर और 14 नवंबर में, तो 14 नवंबर जो है हमारा तब मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोनमा इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन विलेज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ इट सिचुएटेड। खोनमा भारत का पहला ग्रीन गांव कौन से राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। नागालैंड में स्थित है भारत का पहला ग्रीन विलेज जिसका नाम है खोनमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ मच परसेंटेज एरिया इज अंडर फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020। तो 66.52 का एरिया जो है वो मिल जाएगा 2020 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, दैट इज भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार कितना एरिया है, 66.52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, इफ़ यू राइट डाउन ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, हाउ देन हाउ मैनी टाइम्स डू यू राइट 3। अगर आप 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखते हैं सारे, तो कितनी बार जो है वो आप 3 लिखेंगे। तो सही आंसर इसमें 20 होगा। वैसे कन्फ्यूज़न होनी थी 19 के आंसर में, क्योंकि अगर आप काउंट करो तो मैक्सिमम आपको 19 मिलना था, बट हम एक नंबर बोल रहे हैं, दैट इज़ 33। 33 में 2 times 3 आ रहा है, दैट्स वाई ये जो है वो 20 नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स विद सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फेमस बुक है ये, APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी बोला जाना जाता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हीलर आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे देना। व्हीलर आइलैंड वैसे हमारा उड़ीसा में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द हेडक्वार्टर ऑफ UNO इज़ सिचुएटेड एट। तो UNO का हेडक्वार्टर पूछा है, UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, UNO से रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो एक बार क्वेश्चन ये भी देखने को मिला था कि यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें इसके इस्टेब्लिशिंग ईयर की, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो एंटोनियो ग्यूटेरेस जी इसके प्रेसिडेंट हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो HPSSB का क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, 578 पोस्ट कोड, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शंस दिए गए थे आपको, और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं। तो अगर कुल मेंबर्स की बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो 15 हमें कुल मेंबर्स मिलेंगे, मतलब कंट्रीज़, 15 कंट्रीज़ कुल मिलेगी हमें यूनाइटेड नेशंस के। उसमें से 5 हैं हमारे पास परमानेंट और 10 हैं हमारे पास नॉन परमानेंट। 5 हैं परमानेंट, 10 हैं हमारे पास नॉन परमानेंट। अब बात करते हैं परमानेंट कौन सी हैं, तो USA हो गया, UK, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, ये सारी हमारे पास परमानेंट यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स हैं। अगर इंडिया की बात कर ली जाए, तो इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट है। तो
ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो उसने परमानेंट होने की ट्राई नहीं की, बट इंडिया ने जितनी बार भी ट्राई की तब उतनी बार बाकी सारी कंट्रीज़ मान जाती थी, जैसे यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, बट जो चाइना था वो नहीं मानता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इंडिया वालों को वीटो राइट मिले, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर हो जाते हो तो आपके पास बहुत बड़ा राइट मिल जाता है, दैट इज़ वीटो पावर का। और दैट्स वाई चाइना नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने। वैसे भी चाइना वाले इंडिया वालों को कहाँ आगे देख के राजी हैं। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, नेम द भारत रत्न अवार्ड हुज डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज महापरिनिर्वाण दिवस ऑन 6 दिसंबर। उस भारत रत्न विजेता का नाम बताइए जिसकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। बी आर अम्बेडकर जी का नाम सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्लोरेंस नाइटगेल मेडल इंस्टीट्यूटेड इन 1912 इज गिवन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जन स्वास्थ्य एवं नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फास्टैग टू फॉर टोल कलेक्शन वर्क ऑन विच टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास फास्टैग है जो कि टोल टैक्स पर ऑनलाइन ऑनलाइन टोल काटने के काम आता है, वो किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है? तो वो रिफ्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। अच्छा, अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपसे रिफ्ट की, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो है वो सही इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच पास सेपरेट्स लाहौल फ्रॉम स्पीति कुंजुम दर्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवार्डेड DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020। किसको अवार्ड किया गया था DRDO की तरफ से? तो हेमंत कुमार पांडे, इसका सही आंसर हो जाएगा। हु इज़ द क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग मोबाइल फोन्स? तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता था? सही आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर को। नेक्स्ट इज व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर्मली कम्स इनटू फोर्स? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि हम मेन वैल्यू याद रखते हैं कि 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने कर्ज देके बंगाल का विभाजन कर दिया था। फिर यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स भी पूछ ली गई थी, तो सही आंसर इसका होना था 16 अक्टूबर 1905। अच्छा, और क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं यहाँ से? तो और क्वेश्चन ये है कि इसके तुरंत बाद क्या हुआ था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, नेक्स्ट में 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। हु इज गीता थम्बर्ग? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और आना चाहिए था, हालांकि ये क्वेश्चन जो था वो HPSSB वालों को भी इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि गीता थम्बर्ग जो है वो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स पास की थी जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसके ऊपर भी। तो ये बहुत ज़्यादा हाई डिबेटेड टॉपिक था, इसलिए इनको इनके नाम से जो है वो क्वेश्चन भी बना। नेक्स्ट इज खंजूर इज अ टेक्स्ट ऑफ विच सेक्ट? तो ये बुद्धिज्म में यूज़ किया जाता है, खंजूर बुद्धिज्म का एक साहित्य है। नेक्स्ट 22, फ्रॉम विच रीजन सेफ्रॉन गॉट GI टैग? तो सेफ्रॉन हमेशा ठंडे इलाकों में पाया जाता है, और कश्मीर में बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का सेफ्रॉन मिलता है, इसलिए कश्मीर में GI टैग में मिला हुआ है सेफ्रॉन को। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विथ बांग्लादेश? तो कौन सी स्टेट है जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर से शेयर नहीं करते हैं? तो मैप के थ्रू देखते हैं हम। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा मैप, ये देखो ये है हमारे पास बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश में पूछा गया था कि हमारी कौन सी स्टेट है जो कि बांग्लादेश को टच नहीं करती हैं, तो ये देखो यहाँ पे त्रिपुरा टच कर रहा है, मेघालय भी टच कर रहा है, यहाँ से देखो मिजोरम भी टच कर रहा है, तो एक और ऑप्शन था नागालैंड, तो नागालैंड यहाँ पे रह गया, तो नागालैंड टच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ये है त्रिपुरा हमारे पास टच कर रहा है, ये है मेघालय, ये भी टच कर रहा है बाउंड्री के साथ, ये मिजोरम है ये भी टच कर रहा है बाउंड्री के साथ, बट जो नागालैंड है वो टच नहीं कर रहा है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाना था यहाँ पे? नागालैंड। ठीक है, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस फीमेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश इज़,
पहले तो ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछा जाता था, बट अब थोड़ा सा पेपर का पैटर्न टफ हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो उसमें अगर फीमेल रेट की बात कर ली जाए तो फीमेल की लिटरेसी रेट थी 73.51। अच्छा, अगर मेल की लिटरेसी रेट पूछ ली जाए तो मेल की थी 89.53। मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है हिमाचल प्रदेश के अंदर मेल और फीमेल की एजुकेशन पर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन। हाउ मैनी ग्राम पंचायत्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश बिफोर प्रपोजल ऑफ अप्रूवल ऑफ न्यू पंचायत्स। कहते कि जब हिमाचल प्रदेश में पहले कितनी ग्राम पंचायत थी बिफोर अप्रूवल ऑफ न्यू पंचायत्स, तो पहले हिमाचल प्रदेश में थी 3226, 3226 पंचायत्स। इसमें अब न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंग 230 पंचायत्स और जोड़ दी गई हैं, तो नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ पंचायत्स अगर अब पूछी जाएँ तो अब हो जाएंगी 3456। 230 जोड़ी गई हैं तो कुल मिला के हो जाएंगी 3456। पर ये ऑप्शन में पूछा था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसमें लार्जेस्ट पूछा हुआ है ना कि लॉन्गेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट पूछा हुआ है, मतलब लार्जेस्ट का मतलब हुआ कि वॉल्यूम के बेस पे पूछा हुआ है। तो वॉल्यूम के बेस पे हमारी चिनाब नंबर वन पर आती है, और चिनाब का जो हमारे पास संस्कृत नाम है वो है चंद्रभागा। अगर इसका वैदिक नाम पूछ लिया जाता तो इसका था अशिखिनी, ठीक है। तो सतलुज यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि सतलुज जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है, दैट्स वाई यहाँ पे चंद्रभागा आंसर होगा। नेक्स्ट इज़ वॉलीबॉल इन स्टेट गेम ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाउ मैनी प्लेयर्स प्ले ईच साइड। तो वैसे इसका आंसर 6 ही सही होगा, कि बुक्स में आपको 7 भी देखने को मिलेगा। तो प्रोफेशनल आंसर की के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले कौन से आंसर को वैलिड मानते हैं। वैसे मैक्सिमम जगह आपको आंसर 6 ही देखने को मिलेगा। इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन 1964 ओलंपिक हॉकी अंडर द कैप्टेंसी ऑफ विच प्लेयर। 1964 ओलंपिक हॉकी में किस खिलाड़ी की कप्तानी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता था चरणजीत सिंह की कप्तानी में, जो कि ऊना से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स के आइडल भी हैं ये। अगर आप हॉकी प्लेयर्स से, मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश के हॉकी प्लेयर से पूछो कि आपका आइडल कौन है, तो बहुत से लोग इनको अपना आइडियल भी मानते हैं। नेक्स्ट इज़ इन विच स्टेट इज़ शंघाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये मणिपुर का बहुत फेमस फेस्टिवल है, दैट इज शंघाई फेस्टिवल। इन विच स्टेट सबरीमाला टेम्पल इज सिचुएटेड। सबरीमाला टेम्पल हमें मिलेगा केरला के अंदर। इन विच इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका भी हमारी जो सिरमौर में है नेचुरल लेक है, पराशर जो हमारी मंडी में है वो भी नेचुरल लेक है, नाको ये भी हमारे पास नेचुरल लेक है, और चमेरा भी नेचुरल लेक है जो कि चंबा में है। अच्छा, अब आपको बताना है कि नाको लेक जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट बॉक्स में आप बता दें प्लीज़ अपना आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की ट्राइब कौन सी नहीं है, स्वांगला भी हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है, बोध भी, और पंगवालाज भी हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है, पर जो बकरवाल है वो हिमाचल प्रदेश की ट्राइब नहीं है। हालांकि फेमस ट्राइब है, बट ये कश्मीर की ट्राइब है, बहुत फेमस बकरवाल। नेक्स्ट इज अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल एरिया इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया। तो ये 5th शेड्यूल इसका सही आंसर होगा। मतलब तो संविधान की किस अनुसूची के तहत हिमाचल प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया, तो 5वीं सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन की बात करें, चाणक छम डांस ऑफ छनक छम डांस ऑफ लॉस विथ इज परफॉर्म टू द ट्रिब्यूट ऑफ। तो ये लॉर्ड बुद्धा के ट्रिब्यूट में परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ और ध्यान रखना कि अगर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में बात कर ली जाए तो जैनिज़्म के बहुत कम आपको जैनिज़्म के मिलेंगे, और बुद्धिज़्म के ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल लॉ सब्जेक्ट लाइक मैरिज डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इन 9th शेड्यूल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। विवाह, तलाक और विरासत जैसे पर्सनल लॉ विषय हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची की कौन सी सूची में शामिल है। सही आंसर इसका हो जाएगा कनकरंट लिस्ट। कनकरंट लिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि कनकरंट लिस्ट से पूछा जाता है, दैट इज़ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कौन सी लिस्ट के अंडर आता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भी कनकरंट लिस्ट। नेक्स्ट इज
ये क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ गॉट द टॉप पोजिशन इन्वायरमेंट इंडेक्स इन 2020। तो इसमें इंडिया को तो मिली थी 163, बट मेन स्टेट का कुछ पता नहीं लग पाया। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स और देयर इन हाफ एन एकड़। तो 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। इंडिया हैज़ रिसेंटली, ये क्वेश्चन भी आप प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38, 39 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट डिड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। तो यहाँ के सारे ऑप्शंस में अगर आप एलिमिनेट भी करते तो हामिद अंसारी अभी अभी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब कुछ टाइम पहले, है ना, कुछ ईयर्स पहले। तो ये जो थे वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। तो आंसर निकालना एलिमिनेशन के थ्रू ईजी था यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जीवन अमृत योजना। तो जीवन अमृत योजना जो थी वो COVID-19 में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरू की गई थी, और ये मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। मिस स्टेट इलेक्शन कमीशन बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप फॉर वोटर इन इंडिया। कौन से राज्य चुनाव आयोग मतदाताओं के लिए चेहरा पहचानने वाली ऐप का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य चुनाव आयोग बना। सही आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। देन आंध्र हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश से सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आसान क्वेश्चन था ये शिमला में है। अगर रिवर पूछ ली जाए तो सतलुज सही आंसर होगा। विच सिटी इज कॉल्ड एज अ सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर को, जो कि राजस्थान के अंदर है, उसको सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट इज 44, देयर हैव बीन टू इंडियन फील्ड मार्शल सो फॉर, वन ऑफ दैम इज सैम मनेसा एंड हु इज द अदर वन। अभी तक दो भारतीय फील्ड मार्शल हुए हैं, उनमें से एक सैम मार्नेकशी हैं, दूसरे कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा KM करियप्पा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, वुड कॉटन लेदर सिल्क। सही आंसर हो जाएगा इसमें कॉटन, क्योंकि कॉटन जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, बट हम जो है प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट जो बुल लेदर और सिल्क है ये हमें एनिमल से मिलता है, दैट्स वाई ये भिन्न है थोड़ा। जोजी विनी टुंजी है वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स इन विच ईयर। तो ये 2019 में इनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टू कमेनोनेट सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो ये गुजरात के अंदर बनाया गया है। अगर हाइट की बात कर ली जाए तो 132 मीटर्स है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो है वो एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज़ यूनिटी डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एक राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस भी बनाया गया है। अगर आपको पता है किसके नाम पर बना है वो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश बिकम्स 18th स्टेट द यूनियंस ऑन। 18 स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो पावर इन इंडिया। तो इसको आप थोड़ा ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि लार्जेस्ट डैम कौन है इंडिया में। तो ये जो है वो हमारे पास टिहरी डैम है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो सही आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रो पावर इन इंडिया इज इन उत्तराखंड। देन नेक्स्ट इज चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी आस्क्ड हर फादर दैट बट शुड से। नेक्स्ट इज आइदर ऑफ दीज वेज आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो था वो सेकंड, यहाँ पे जो था, मुझे तो कोई एरर नहीं लग रही इसमें। आपको फिर भी अगर लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई एरर है तो बता देना, क्योंकि आइदर ऑफ दीज वेज आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। सो सही लग रहा है ये ऑप्शन। नेक्स्ट इज 53 डैश जगदीश एंड धीरज देयर वर थ्री अदर वाइस प्रेजेंट। तो अलोंग जगदीश एंड धीरज देयर वर थ्री अदर वाइस प्रेजेंट। देन फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो ये सारे वर्ड जो थे वो करेक्टली स्पेल्ड थे, इसमें मिसस्पेल्ड कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में आप जो है वो एडजस्टमेंट कर रहे हो, है ना, किसी चीज़ में आप एडजस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ में आप अपना सहयोग दे रहे हो, मतलब उस चीज़ से आप सेटिस्फाई हो कि मैं यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर लूँगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडजस्ट।
नेक्स्ट इज मैन एंड वुमेन आर रनिंग हाफ एजेंडली बट राम वॉज इन द लेफ्ट, तो ये हो जाएगा एडवर्ब. नेक्स्ट इज द पब्लिक वॉज काउजन डैश पिक पॉकेट्स एट द मॉल, सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम. नेक्स्ट इज फ्रॉम फाइंड द मोस्ट सुटेबल मीनिंग फॉर द वर्ड डेफर, तो डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन. यहाँ पे डिफर आंसर मत लगा के आना, क्योंकि डिफर का मतलब होता है जो डिफर डी आई डबल एफ ई आर है, इसका मतलब होता है भिन्न, डिफरेंट मतलब भिन्न अलग सा. बट वो जो हमारे पास वर्ड दिया गया वो है डेफर, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, आगे की तिथि कोई तय करना. नेक्स्ट इज द ऑपरेटर वॉज अप्लाउडेड फॉर हिज डेक्सटरिटी, तो डेक्सटरिटी का वर्ड पूछा था सुटेबल, तो स्किल इसका सही आंसर हो जाएगा निपुण, सही आंसर होगा. करेक्ट मीनिंग ऑफ द रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश हो रही हो, मतलब रेनिंग वेरी हार्ड इज राइट आंसर. फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एमेच्योर, तो एमेच्योर की करेक्ट स्पेलिंग होगी ए एम ए टी ई यू आर. देन मर्डर ऑफ अ मैन और वुमेन, जेनोसाइड इसको बोला जाता है. देन जो हमारे पास ये डियर होता है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, तो उसको बच्चे को बोलते हैं फोन, इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट इज अवर हैप्पीनेस और अवर सॉरो डैश लार्जली ड्यू टू अवर एक्शन, सही आंसर होगा यहाँ पे इज. अच्छा बात कर ली जाए कि इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, वर क्यों नहीं आया, वी क्यों नहीं आया, तो अगर कभी भी आपको लग रहा है कि दो नाउन जो है वो और के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, तो हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगी. अच्छा अगर इन दोनों में से कोई वर्ब जो है वो अगर प्लूरल होती तो प्लूरल होती तो आगे की वर्ब जो है वो इस वाले सेकंड वाले नाउन को देखकर लगनी थी, ठीक है, सेकंड वाले नाउन को देखकर, तो इस आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट इज राम कैरिड ऑन हिज फादर्स बिजनेस ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ द लेटर, तो राम ने मैनेज, सही आंसर होगा यहाँ पे. ही हैज़ रुइंड हिज साइट बाई रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीरंड है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बिल्कुल रीडिंग लगना था बट हैज़ तो होता नहीं है. पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होना था, चलो हैज़ होना था बट थर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी थी. देन पास्ट टेंस तो आपको पता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो एक जीरंड बचा, तो जीरंड में आई एन जी लगता है, तो जीरंड ही यहाँ पे आंसर होगा. नेक्स्ट 69 का सही आंसर हो जाएगा पी आर एस क्यू, दैट इज ही हैड सच अ विनिंग स्माइल दैट आई शुड नॉट से नो टू हिम. देन मेडल का पूछा है हुआ है साइनोनिम, तो मेडल का साइनोनिम होगा इंटरफेस, मतलब दखल अंदाज करना. नेक्स्ट सही शब्द सुनिए, तो सही शब्द हो जाएगा अधपथ. देन आमिष का विलोम शब्द है निरामिष. ई प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है, तो तेल से, तेल को आप, तेल शब्द जो है उसको ई की मात्रा लगा दे तो बन जाएगा तेली. माल को ई की मात्रा लगा दे तो बन जाएगा मेली. अलवेल को ई की मात्रा लगा दे तो बन जाएगा अलवेली. बट चमेल कभी भी आपने नहीं देखा होगा, तो चमेली जो है वो एक सिंपल वर्ड है पूरा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है. तत्शंकर की संधि विच्छेद ए पार्ट सही आंसर होगा. देन इसमें से कौन सा द्विगु समास है, द्विगु समास वो होता है जिसमें और का प्रयोग किया जाता है. बाकी अगर द्वंद्व समास की सॉरी यहाँ पे द्विगु समास पूछा था, सॉरी बाय मिस्टेक ये गलत हो गया. ओके तो इसमें द्विगु समास है हमारे पास त्रिवेणी, ठीक है, क्योंकि द्विगु समास में हमारे पास होती है द्विगु मतलब दो टर्म्स, दो टर्म, द्विगु मतलब होता है टर्म्स, है ना, टर्म्स से रिलेटेड. और भला बुरा में था हमारे पास द्वंद्व समास, दैट इज और, जिसमें और का प्रयोग होता है. नेक्स्ट इज 76 ततौरा बहुत बलशाली भी था, तो बलशाली पूछा है, बलशाली संज्ञा नहीं हो सकती है, सर्वनाम नहीं हो सकता, क्रिया नहीं हो सकती, तो क्या बच गया, विशेषण होगा विशेषण. 77 में तितलियाँ फूलों पर मंडरा रही हैं, वाक्य में क्या है, तो मंडरा रही क्या होगा हमारे पास, क्रिया. उपकार के बदले किया गया उपकार के लिए सही शब्द, तो प्रत्युपकार बोला जाता है उसको. सीधे का मुंह कुत्ता चाटे का अर्थ, मतलब ये होता है कि बहुत लाइफ में बहुत सिंपल भी नहीं होना चाहिए, बहुत सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपल हैं तब भी वो भी आपको किसी न किसी वे से डिस्ट्रॉय ही करेगा. ये होगा कि बहुत ज़्यादा सीधापन जो है वो आपको नुकसान देता है, लॉस की तरफ ले जाता है. अबनी का विलोम पूछा है, तो अबनी का विलोम यहाँ पे हो जाएगा अंबर. यू यू त्यू का अर्थ पूछा है, तो अगर यू यू आपको कहीं भी दिखता है
तो इसका मतलब पक्का युद्ध से ही होगा। तो युद्ध से एक ही ऑप्शन था यहाँ पे, दैट इज युद्ध करने का इच्छुक। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पहले तो हमें पता होना चाहिए इस कर्म क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। इस कर्म क्रिया का ध्यान रखना जहाँ पे आपको क्या और किसको का जवाब मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या और किसको का जवाब मिले तो हमेशा इस कर्म क्रिया होगी। जैसे गेहूँ पिस रहा है, क्या पिस रहा है? गेहूँ, है ना। किसको पिस रहा है? गेहूँ को। नेक्स्ट इज, मदन गोपाल को हंसा रहा है, क्या हंसा रहा है? क्या हंसा रहा है? मदन। किसको हंसा रहा है? गोपाल को। राम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। किसको लिख रहा है? राम को। मैं बालक जगाता हूँ, क्या जगाता हूँ? मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बन रही है, किसको जगाता हूँ, किसका जगाता हूँ। तो मतलब ये जो है वो प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है क्या और किसको का, दैट्स वाई ये अकर्मक क्रिया है। क्योंकि इस कर्मक और अकर्मक थोड़े से टफ हो जाते हैं डिफ्रेंशिएशन करना। ये थोड़ा सा अपोजिट था, मैं बालक जगाता हूँ, क्या करता हूँ? चलो यहाँ पे तो मिल गया आंसर, जगाता हूँ, क्या को जगाता हूँ या किस किस को जगाता हूँ। तो ये तो नहीं बनेगा ना, मैं बालक जगाता हूँ, बालक को जगाता हूँ तब भी कुछ मान लेते। नेक्स्ट इज, राम फुटबॉल खेलता है पर अच्छा नहीं। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पूछा गया है। सरल वाक्य तो सिंपल होता है, मिश्र वाक्य जिसमें क्योंकि किंतु परंतु लगा होता है वो होता है, और संयुक्त वाक्य में और तथा पर जैसे वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर संयुक्त वाक्य से आप पर हटा देना तो हर एक सेंटेंस का अपना मीनिंग होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, राम फुटबॉल खेलता है, पर हटा दो अच्छा नहीं, तो मतलब थोड़ा सा ये फिर भी सेंटेंस जो है वो अपने ऊपर इंडिपेंड, मतलब अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है अलग अलग। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट 84 का डी पार्ट सही हो जाएगा, 85 का होगा डी पार्ट सही, 85 का भी आधा तित्तर आधा बटेर, मतलब बेमार बेल और बेडंगा। तो गाइस प्लीज़, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने भी ये वाला पेपर जो है वो सॉल्व करके प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अप्रिशिएशन करना, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना चैनल को। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे ही आपका कोई भी एग्ज़ाम आए उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाए और आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाए। तो प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप अपने व्यूज़ पक्का रखना कमेंट बॉक्स में। क्योंकि जैसे ही आप अपने व्यूज़ रखते हो बहुत खुशी होती है उनको पढ़ के, और बहुत नॉलेजेबल बातें बताते हो आप। कोई क्वेश्चन कई बार मेरे से गलत हो जाता है वो भी आप करेक्ट करके बताते हो। तो इससे ये होता है कि आप अपनी कितनी मेंटल पावर जो है वो वहाँ पर रख रहे हो, कितने ध्यान से आप पढ़ रहे हो उन चीज़ों को। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।